देश और पूरी दुनिया इस बात को मान के चलती है कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है, सॉरी देश को नहीं दुनिया को बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, ओबामा ने कहा था, चाइना और हिंदुस्तान का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से लोग हिंदुस्तान के युवाओं में इन्वेस्ट करने के लिए आया करते थे, अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वो आप सब में भरोसा करते थे। वो जानते थे कि हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान को खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया को बदल देगा, इसलिए वो यहां अपना पैसा लाते थे। और आज मैं स्टेज से दुख से कहता हूं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जो आप इस देश के लिए करना चाहते हो और कर सकते हो, उसको आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री होने नहीं दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, बेरोजगारी का सपना दिखता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद आपको हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता है। पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। इसे दोहरा देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है। और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, एनआरसी की बात होगी, सीएए की बात होगी, एनपीआर की बात होगी, मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस देश के हर परिवार को चुभती है, माता पिता को लगती है, युवाओं को जो दुख होता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। ये हुआ क्यों? यूपीए के समय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा, और आज नए तरीके से नापा जाता है, जीडीपी नए तरीके से जो नापी जाती है, तब 5% ग्रोथ है। अगर आप पुराने तरीके से नापे, यूपीए वाले समय के तरीके से नापे, तो 2.5% ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का आज, 2.5%। याद रखिए, शर्म की बात है। ये हुआ क्यों? यूपीए के समय हम सरकार का पैसा किसानों को, गरीबों को देते थे, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये हमारे प्रोग्राम्स थे। हम गरीबों को पैसा क्यों देते थे, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी शायद इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, समझे नहीं है। अर्थव्यवस्था जब चलती है, जब गरीबों के जेब में पैसा आता है, उधर साधारण सा सिस्टम है, जैसे ही किसानों के जेब में पैसा जाता है, गरीबों के जेब में पैसा जाता है,
माल खरीदते हैं, कोई टूथपेस्ट, कोई साबुन, कोई शर्ट, कोई पतलून, कोई जूता, जैसे ही हिंदुस्तान के गरीब लोग माल खरीदते थे वैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी, कोई फैक्ट्री शर्ट बनाती, कोई पतलून बनाती, कोई सेलफोन बनाती, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग माल खरीदते। उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता और उन्हीं फैक्ट्रियों में पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट आता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? किसानों को बर्बाद कर दिया, मनरेगा को खत्म कर दिया, भोजन के अधिकार को बंद कर दिया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। इससे क्या हुआ? हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, युवाओं के जेब में से उन्होंने पैसा निकाला और 15-20 उद्योगपतियों के जेब में डाल दिया। भाइयों बहनों, 3,50,000 करोड़ रुपए आपके जेब में से निकाल के, आपके यूनिवर्सिटीज में से निकाल के, आपके अस्पतालों में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करवाया है। 3,50,000 करोड़ रुपए, कुछ ही महीने पहले 1,50,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। जैसे ही गरीबों के जेब में से पैसा गया, किसानों के जेब में से पैसा गया, युवाओं से पैसा गया, आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, फैक्ट्री बंद हो गई और 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में आ गई। आप किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा हुआ या नुकसान, सारे के सारे आपको कहेंगे भैया बर्बाद कर दिया, नुकसान हो गया। अंबानी अदानी का जरूर फायदा हुआ, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है उनका फायदा हुआ, मगर लाखों करोड़ों युवाओं का, छोटे दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का धंधा बर्बाद हो गया। नरेंद्र मोदी को, मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट से बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जीएसटी समझ तक नहीं आई आज, उनको समझ नहीं आई है जीएसटी क्या है। जो व्यक्ति नोटबंदी जैसा काम कर सकता है, आप किसी भी युवा से पूछ लो नोटबंदी से फायदा हुआ नुकसान, 8 साल के बच्चे से पूछ लो बेटा, 8 साल के बच्चे से पूछो बेटा नोटबंदी से फायदा हुआ नुकसान, वो कहेगा फायदा हुआ, नुकसान हुआ, फायदा कहा हुआ नुकसान हुआ। मेरे जेब से पैसा ले लिया नरेंद्र मोदी ने, अदानी को दे दिया। और दुनिया की हालत आप देखिए और समझिए, पहले हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला करता था, यह मोबाइल फोन पकड़ी है चाइना में बनता है, माइक्रोफोन के नीचे देखो चाइना में बना है, शर्ट के पीछे, जूते के नीचे मेड इन चाइना। हिंदुस्तान उनका मुकाबला कर सकता है और कोई देश कर ही नहीं सकता है, और हिंदुस्तान का युवा अकेला चाइना के युवा के साथ मुकाबला कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता है। और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है। दुख की तो यह बात है, यहां हम अपनी पूंजी जाया कर रहे हैं, मगर ऐसा मौका हमारे सामने कभी वापस नहीं, कभी आने वाला नहीं, एक बार आएगा। पूरी दुनिया, यूरोप के सब देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के देश चाइना की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चाइना बहुत तेजी से आगे निकल गया,
डांस करना है। और पूरी दुनिया जानती है कि चाइना को सिर्फ एक शक्ति बैलेंस कर सकती है और वो है हिंदुस्तान का युवा। पूरी दुनिया तैयार है, यूरोप के सब देश तैयार है, अमेरिका तैयार है, कनाडा तैयार है, ऑस्ट्रेलिया तैयार है, सारे के सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटल बनाना चाहते हैं। सारी कंपनियां जो आज चाइना में है वो हिंदुस्तान में आना चाहती है। और जब भी मैं उनसे बात करता हूं मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे दुख होता है, मैं आपको बताता हूं क्या सवाल पूछते हैं। मुझसे पूछते हैं आप चाहते हो कि हम अपना पैसा हिंदुस्तान में डालें, आप चाहते हो कि हम मिलकर चाइना से कंपटीशन करें, मगर आप हमें एक बात समझाओ, पहले हिंदुस्तान में शांति थी, आज हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में हिंसा है। हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार देश में हिंसा फैला रही है। आप हमें बताइए हिंसा के माहौल में हम इन्वेस्ट क्यों करें, हिंसा के माहौल में हम जो लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको क्यों करें? बताने कल क्या होगा? यह काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहला काम, आपके जेब में से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को दिलवाया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान के उद्योगपतियों की जगह नहीं, और मैं स्टेज से पहले जो कहूंगा कि हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने भी इस देश को बनाने का काम किया है, मगर मैं बैलेंस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद करते हैं तो फिर आपको किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की मदद करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ बैलेंस चाहता हूं। आप कर्जा माफी उनकी करते हो तो फिर मैं इनकी भी करूं, अगर इनकी नहीं करते हो फिर उनकी मत करो। मैं बैलेंस चाहता हूं। तो नरेंद्र मोदी ने पहला काम किया कि इन्होंने पूरा का पूरा फायदा 15-20 उद्योगपतियों को दिया, 100 को नहीं।